हेलो गाइस, मेरा नाम शहबाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहर चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ डाओस के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा और कुछ डाओस के बारे में बताया कि डाओ होता क्या है ना। सो अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक डाओ के ऊपर जिसका नाम है टेम्पलार डाओ। इसकी APY जो है ये बहुत ज़्यादा है। APY इसकी लगभग है 93,846%, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 डेज का है, तो वो होगा कुछ 9.8, यानी आपको 5 दिन में 9.8% का इंटरेस्ट मिलेगा। और इसका हर 8 घंटे का जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब 3 रिबेस हो गए इसमें 24 घंटे में। 24 घंटे में आपको 3 रिबेस रहेंगे, मतलब 3 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसका, जिसे APY कहते हैं, वो रहेगा 0.6 का। तो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है और काफ़ी आप इससे अच्छी खासी पैसिव इनकम कमा सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपीज़ भी इसके अंदर स्टेक करते हो तो आपको इसका 1%, इसका 9% समझ लो, या 1% भी पकड़ के चल लो एक दिन का, तो 1,000 रुपीज़ हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात तो इस टोकन की ये है कि अभी ये बहुत कम रेट में आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रिसेशन चल रहा है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में और मार्केट डाउन है, इसलिए तो इसका फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द इसमें जाके इन्वेस्ट करिए। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मई एंड तक है, शायद जो भी 30 या 31 मई होता है तब तक ये आपको मिलने वाला है। 0.6% तक ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5 डेज का, तो आप तब तक अच्छी खासी इनकम इस पे अर्न कर सकते हो। और जैसे ही इसके आगे का प्लान आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसमें स्टेक कर सकते हो और टेम्पलार डाओ क्या है, कैसे काम करता है, इसके कितने सारे स्टेकिंग्स हैं और कैसे कैसे क्या क्या कॉइन्स के नेम हैं, क्या स्टेक करो तो क्या मिलता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चलो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। एक बात दोस्तों आपसे मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना है, ज़रा भी आपको स्किप कहीं पर नहीं करना है, ना इसे आगे फॉरवर्ड करना है, कि एक भी स्टेप छूटेगा तो आपकी स्टेकिंग वगैरह में गड़बड़ हो सकती है। आप इसे इस वीडियो को पूरा देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसे देख लो और आप काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आइए दोस्तों, हम शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पर टेम्पलार टोकन के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे, देखेंगे टोकन का रेट क्या था, टोकन कितनी सप्लाई है, टोकन कैसे काम करता है, इसकी वेबसाइट कौन सी कॉन्ट्रैक्ट चेन के ऊपर ये काम करता है, मतलब कौन सी ब्लॉक चेन के ऊपर काम करता है। तो हम यहाँ पे पहले सर्च करेंगे टेम्पलार टोकन, यहाँ पर आ गया टेम्पलार डाओ, ये वाला फर्स्ट वाला, फिर हमने क्लिक किया और आप देख सकते हो इसका सबसे लोवेस्ट प्राइस, अभी सबसे लोवेस्ट प्राइस इसका जो था मैं बता देता हूँ आपको, 790 रुपये तक ये गया है सबसे ऑल टाइम लो पे, और अभी इसका 893 रुपये है। और इसका ऑल टाइम हाई कितना है आप ये देख लीजिए, ऑल टाइम हाई इसका 1,46,580 रुपीज़ है, यानी 1,46,580 रुपीज़। और ऑल टाइम लो जो है 790 रुपये, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और इसकी कॉन्ट्रैक्ट चेन्स में बता देता हूँ कितने हैं, तो देख सकते हो आप BNB स्मार्ट चेन पे है, हारमोनी पे है, मून रिवर पे है। आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से BNB बेस्ट रहेगा। और इसकी वेबसाइट वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। आप यहाँ पर देख सकते हो टोकन को एक्सप्लोरर्स, आप देख सकते हो कितनी सप्लाई है क्या है। चलो आइए देख लेते हैं, हम यहीं पे देख लेते हैं कितनी सप्लाई है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप, यहाँ पे ओपन हो चुका है BSE स्कैन एक्सप्लोरर, तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल सप्लाई इसकी है 1,93,418 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 1,93,418 इसकी टोटल टोकन सप्लाई है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इतनी ज़्यादा कम सप्लाई है कि आप इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग भी करते हैं। इसकी ट्रेडिंग पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिससे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो पहले हम आ जाते हैं, अब हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे और आपको बताएंगे कि इसे स्टेकिंग कैसे करते हैं और इसमें स्टेकिंग के क्या क्या फीचर्स है। डबल स्टेकिंग भी है, सिंगल स्टेकिंग भी है, टोकन्स कौन से है। चलिए तो चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया है, अब चलते हैं हम सीधा डी एप्स में और पैनकेक स्वैप पे। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं BUSD, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टेम्पलार। अब मैं आपको छोटा सा एक डेमो बताऊंगा मैं कितने डॉलर का यहाँ परचेस करूँगा। मैं सिर्फ $5 का यहाँ पे परचेस करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास में $5 के 0.4 टेम्पलार आ रहे हैं अभी इस वक्त में। 5 के हमें मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, मैं और कम के परचेस करूँगा। हाँ 0.17 बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं परचेस करना है। $2 के मैं यहाँ पे परचेस करूँगा और आपको बताऊँगा ये कैसे होता है। सो ये प्राइस का जो है प्राइस अपडेटेड होता है, तो इस पर एक्सेप्ट कर लीजिए। कम ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिक कैच करता है। कंफर्म स्वैप पे क्लिक करें, अप्रूव किया और यहाँ पे ये हमारा ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो चुका है। हमारे पास आ चुका है टेम्पलार हमारा 0.17 टेम्पलार। एक वक्त था दोस्तों 0.1 टेम्पलार का मतलब होता था 25,000-30,000 रुपये। होप वो वक्त वापस से आ जाए। तो वापस चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे, देखते हैं यहाँ पे टेम्पलार टोकन। दोस्तों यहाँ हमारे पास में टेम्पलार आ चुका है। अब हम सीधे डायरेक्ट जाएंगे DApps में और इनकी जो वेबसाइट है टेम्पलार डाओ, इस पर क्लिक करते हैं और टेम्पलार डाओ पे हम आ चुके हैं। तो चलिए आपको टेम्पलार डाओ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी क्या क्या है। टेम्पलार डाओ इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व करेंसी एंड हेज फंड फीचरिंग अ प्रोप्राइटरी ट्रेजरी रिवर्स प्रोटोकॉल अवेलेबल क्रॉस चेन ऑन BSC मून रिवर एंड हारमोनी। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। टोटल मार्केट कैप इसका जो है आपके सामने है, आप देख सकते हैं 40 लाख यानी 40,22,715 का है। और भी कई सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ लीजिए फटाफट, या तो रोक के पढ़ लेना, मैं फटाफट वीडियो बनाना चाहूँगा। टेम्पलार का रेट जो चल रहा है वो 11.81 और यहाँ पे APY आप देख सकते हो 93,846 APY है, ठीक है। अब आपको मैं चलता हूँ इसकी डिटेल्स पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम है TM इनका, जो टेम्पलार मनी जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। इसके ऊपर भी चल के आप देख लीजिए टोटल सप्लाई इसकी 3,80,434 है और APY इसका भी 18.006%, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब एक्सचेंज रेट देखिए यहाँ पे TM का जो है टेम्पलार मनी का, ये $1 से है, तो ये स्टेबल कॉइन है पूरी तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊँ इनका स्वैपअप भी है, लेकिन हमें इस पर स्वैप पे नहीं जाना है, हम जाएंगे टेम्पलार स्टेकिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो टेम्पलार है वो स्टेकिंग पे लगा हुआ है, जो आप देख सकते हो 51.3081
टेम्पलार मेरा स्टेकिंग पे है, और इसका मुझे नेक्स्ट जो रिवार्ड मिलने वाला है वो है 3.80 डॉलर का, सो 0.321 टेम्पलार। सोचिए दोस्तों, अगर ये थ्री रिवेज होते, 24 आवर्स में मुझे तकरीबन एक टेम्पलार मिलता है जो 800 रुपये के आसपास है, 850-900 रुपये के आसपास है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक दिन में आप 24 आवर्स में इसे 1000 रुपीज़ तक कमा सकते हो, 50 से 60 हज़ार रुपये लगा के अभी। और आने वाले वक्त में अगर आप, जब ये 1% हो जाएगा इसका, तो आप रेट ऑफ़ इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे। आप ये देख लीजिए, मैं आपको बता, जैसे कि कह रहा था कि अभी आपको ये 0.6 रिवॉर्ड यील्ड मिल रहा है, मतलब APY जो है ये आपको मिल रहा है 8 आवर्स का, मतलब इनके तीन रिबेज जो होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए 3 3, यानी ये अभी 5 घंटे बचे हुए हैं, 5 घंटे 37 मिनट जो अभी बचे हुए रिबेस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डेज़ का जो है 9.83, जो कि बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है बिल्कुल एकदम। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ स्टेक करके, सो हमारे पास में है 0.172 टेम्पलार। सो अब हम इसे स्टेक करते हैं, इसे अप्रूव करेंगे। और ये जहाँ पे स्टेक हो जाना चाहिए पेंडिंग, और ये स्टेक जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 51.4 आ चुका है यहाँ पे स्टेक। तो अब इसकी मैं कुछ और चीज़ें आपको, एक और ये होगी सिंगल स्टेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था डबल स्टेकिंग इसमें है। सो डबल स्टेकिंग के लिए अब हमें जो मिल रहा है यहाँ पे, हम जो अर्न कर रहे हैं इसे, हम स्टेक कर रहे हैं टेम्पलार, तो स्टेक कर दिया, अब यहाँ पे 0 बचा है टेम्पलार हमारा, ये कन्वर्ट हो गया स्वॉर्ड के अंदर। अब हम जाएंगे यहाँ पर, ये सिंगल स्टेकिंग होगी जो हमें स्वॉर्ड मिल रहा है। अब यहाँ पर हम जाएंगे पहले हम इसे रैप करेंगे, इसे रैप करना पड़ता है। स्वॉर्ड जो हमको मिला उसे हमने रैप किया, तो मैक्स हम कितना, मुझे जितना मिला था मैं उतना ही करूँगा, 0.14 मुझे इतना मिला, तो मैं इसे रैप करूँगा। रैप करने के बाद में अप्रूव करने के बाद में ये रैप हो चुका है। आप देख सकते हो ये रैप हो चुका है, और यहाँ पर रैप होने के बाद में इसकी कीमत बता रहा है 0.0026 WS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 W
इसका रेट मैं आगे बताता हूँ आपको। फिलहाल तो यहाँ पे ये आप देख लीजिए रैप हो चुका है। अब इसका क्या करना है, जब ये रैप बन चुका है तो रैप को हम जाएंगे डब्ल्यू सॉड स्टेकिंग के अंदर, डब्ल्यू सॉड स्टेकिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डबल स्टेकिंग का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें अप्रूव करना होगा, इसे अप्रूव करेंगे, 7 रुपये लगेंगे और ये अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद में हम इसे स्टेक कर सकते हैं, तो मैक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना हमने वहाँ पर रैपअप किया था वो यहाँ पर हम स्टेक करेंगे। तो स्टेक डब्ल्यू सॉर्ट करने के बाद में हमें फिर से एक पॉपअप आएगा, इसे अप्रूव करना है 22 रुपये का। तो देख सकते हो दोस्त दोस्तों आप लोग यहाँ पर, हाँ यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने ये स्टेक कर दिया, इसे डब्ल्यू सॉर्ट में हमने कन्वर्ट किया। डब्ल्यू सॉर्ट कन्वर्ट करके यहाँ पे हमने स्टेक किया तो इस यहाँ पर हमारा योर स्टेक बैलेंस बता रहा है $1.61 और उसकी ये इसकी वैल्यू है 0.0027 डब्ल्यू सॉर्ट की। और यहाँ पर नेक्स्ट रिबेज अवार्ड जो मेरा अवार्ड रहेगा नेक्स्ट रिबेज वो रहे, ये जो नेक्स्ट रिबेज अवार्ड जो बता रहा है 0.32, ये हमें पहली स्टेकिंग जो हमने किए थे टेम्पलार की ये उसका रिवॉर्ड वो अलग से मिलेगा। और हमें जो इसका जो नेक्स्ट स्टेकिंग अवार्ड जो मिलेगा नेक्स्ट बूस्ट APY जो 46.5% मिलेगा,
जो कि 5 दिनों बाद है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइमर जो है वो बता रहा है 4 डेज़, आफ्टर 5 डेज़ ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आप पहले अभी हमने स्टेकिंग पे लगाया तो स्टार्ट में ये 5 दिनों बाद हमें मिलेगा 1x, 10 दिनों बाद मिलेगा 1.2x, 20 दिनों बाद मिलेगा 1.5x और 30 दिनों बाद मिलेंगे हमें 2x, यानी दो गुना हमें यहाँ पर 30 दिनों बाद इसका मिल सकता है। ये अलग मिलेगा दो गुना। और जो हमने यहाँ पर स्टेक किया हुआ है, डेली का जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है 8 घंटे का, वो अलग से मिलेगा। तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं डबल स्टेकिंग। और ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और कोई भी किसी भी डाओ में आपको देखने नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक स्पेशलिटी है इस डाओ की। ये किसी भी तरह का पेड वीडियो नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से अपने खुद यहाँ पर स्टेकिंग लगी हुई है और मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मनी अर्निंग की। आप बैठे बैठे अपने काम सारे करते करते एक पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हो। पैसिव इनकम क्या है, तो बहुत अच्छी खासी इनकम है। और भी सारी चीज़ें हम कहीं जान लेते हैं। तो डब्ल्यू स्वॉर्ड के बारे में मैं आपको बताने वाला था कि डब्ल्यू स्वॉर्ड का रेट क्या चल रहा है अभी। ओके, सो आपको लेके चलता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू स्वॉर्ड का जो प्राइस है वो $603.34 है, यानी $603। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, इनके जो और भी टोकन्स है, जैसे कि अभी समझ लो स्वॉर्ड हो गया और डब्ल्यू स्वॉर्ड हो गया, तो ये टोकन्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको टेम्पलार पे ही दिखेंगे। ये ना पैनकेक स्वैप से, ना पैनकेक स्वैप, ना अदर कोई भी स्वैप हो, यूनिस्वैप हो, वॉट एवर, जितने भी स्वैप हो वहाँ से आप इसे स्वैप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो ये था अब तक का मेरा ज़बरदस्त, बिल्कुल और परफेक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्पला डाओ स्टेकिंग, डबल स्टेकिंग का पूरा वीडियो। जो होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप कैसे यहाँ पर स्टेकिंग करोगे। आप ये देख सकते हो, मैंने विद प्रूफ आपको सारी चीज़ें बता दी है और कैसे कैसे इस पर विड्रॉल होता है, क्या होता है। मैं विद प्रूफ आपको एक वीडियो और छोटा सा बना दूंगा कि कैसे मैं टेम्पलार को अपने अनस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी आप देख लो, मेरा यहाँ पर टेम्पलार है जो 51.34 है। ठीक 24 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 52 हो जाएगा। फिर मैं आपको अपना एक टेम्पलार जो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक टेम्पलार को मैं यहाँ पर अनस्टेक करके बताऊंगा और उसे BUSD में कन्वर्ट भी करके बताऊंगा आप ही के सामने। फ़िलहाल के लिए इतना बस। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए और फीडबैक्स भी दे दीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और अर्निंग बेस्ड वीडियोस मेरे आते रहेंगे लगातार। थैंक यू सो मच।